के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर मोती झील में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। भीषण ठंड के बावजूद मोती झील में सजे दरबार साहिब में भोर पहर से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। वो लगातार चलता रहा। शबद कीर्तन की रसधार के बीच यहां पर श्रद्धालुओं ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की समझ माथा टेक कर सुख समृद्धि की कामना की। दरबार साहिब में पंजाब के अमृत रस, जालंधर और लुधियाना से आए हुए रागी जत्थों ने शबद कीर्तन की रसधार को बहाते हुए गुरु की महिमा के बारे में बताया। इससे पहले यहां पर गुरुवाणी और सुखमनी साहिब का भी पाठ किया गया। बर्फीली हवा के थपेड़ों के बीच गुरु के प्रसादे के रूप में चल रहे लंगर को छकने के लिए भी संगत का जोश काफी देखा गया। बताया गया कि करीब 2 लाख श्रद्धालुओं ने मोती झील में लंगर छका। इसके अलावा कई संगठनों ने यहां पर अपने कैंप भी लगाए और बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ लगाए गए कैंप में रक्तदान किया है। वहीं आरोग्य धाम ग्वालटोली की तरफ से मोती झील में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया। यहां पर डॉक्टर हेमंत मोहन और डॉक्टर आरती मोहन ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के साथ ही उन्हें दवाएं भी वितरित की। इस दौरान सर्दी से बचने के लिए मरीजों को सलाह भी दी गई। आज यहां मोती झील प्रांगण में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी साहब कमाल सरबंस दानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम और बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। इतनी भीषण सर्दी होते हुए भी आप देखिए कि संगत की भावनाएं कितनी उग्र हैं और किस तरह से वो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि हिंदू धर्म के रक्षक, सनातन और हिंदू संस्कृति के रक्षक, अगर साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज या गुरु तेग बहादुर साहब उनके पिता श्री ना होते तो शायद आज ये सनातन धर्म होता ही नहीं। जिस तरह से औरंगजेब की जुल्म और मैं कहूँ सियासत चल रही थी, उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए